गैलेक्सी पिक्स प्ले स्टोर वाईटी म्यूजिक। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं मित्रों आप? आशा बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा और फिर एक शानदार वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और आज हम फिर से एक बैंड लैब का ट्यूटोरियल सेकंड नंबर लेकर आए हैं। मतलब वैसे तो पहले बहुत सारे वीडियो हमने बैंड लैब पर बना दिए, हम नया जो फंक्शन उसका आया सॉन्ग स्टार्टर उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि शुरू करें, हो जाए तालियां। अरे भैया हंस क्यों रहे हो, तालियां बजाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये मेरा स्वागत किया है उन्होंने, बहुत बढ़िया। लेकिन तालियां फर्जी थी लेकिन वीडियो असली है। चलिए शुरू करते हैं, बैंड लैब को ओपन करेंगे। बैंड लैब सुबह वाले वीडियो को आपने कितना सराहा वो भी आगे पता लगेगा। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन जो कि मैंने बताया क्रिएट पर चलेंगे बगैर किसी फर्दर डिले के। ओके सिलेक्टेड, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमारा अगला जो ऑप्शन है न्यू सॉन्ग स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। बैंड लैब सॉन्ग स्टार्टर पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हमें मिलता है हिप हॉप इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप किन के साथ गाना पसंद करेंगे वो चीजें यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ट्रैप बटन, ट्रैप है, रेट्रो वे तो जैसे अपन रेट्रो वे पे क्लिक कर देते हैं। रेट्रो वे पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पर एंटर लिरिक बटन, एंटर लिरिक्स, यहाँ पर आप अपना लिरिक्स एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। 33% जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे आपको म्यूजिक सुनाई देगा। तो देखा आपने, ये म्यूजिक आपको सुनाई देता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सेव फॉर लेटर और ओपन इन स्टूडियो। उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है 25% स्लाइडर। इसके बाद 014 056 इफेक्ट्स बटन, इफेक्ट्स, यहाँ से आप इफेक्ट लगा सकते हो। प्ले, यहाँ से प्ले कर सकते हो। 2 3 3 रिफ्रेश आप यहाँ से कर सकते हो। 2 ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। 1 हम इसको लेंगे 2 नंबर। ओके रिफ्रेश बटन 4 पॉज करेंगे, आपको डबल डबल आवाजें सुनाई दी होगी, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। तो हम एक गाना रिकॉर्ड करेंगे इससे और फिर आपको सुनाएंगे। सबसे पहले यहां पर ओपन इन स्टूडियो पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर काफी सारी चीजें हमें दिखाई देती है ऊपर, देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले सिलेक्टेड अरेंजमेंट स्क्रीन लिरिक्स स्क्रीन है, सेटिंग्स स्क्रीन और सेटिंग्स बटन, 3-4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सेव इमेज, सेव का बटन मिल जाता है। वॉइस बटन, वॉइस, synth leads, synth keys, synth bass, drum pad, create track और button. यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप create track पर जाते हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए guitar, voice, audio, अगर आप अपना खुद एक अलग से ट्रैक बना सकते हैं तो create track पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, बहुत ही आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। चलिए हम यहाँ पर सीधा ही वॉइस को इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ से चलेंगे वापस से। एक्सिट 401 स्टॉप पॉज सेल्फ पॉइंटर ड्रॉ क्लिक रीडू अंडू प्ले रिकॉर्ड रीवाइंड मिक्सर ऐड साउंड क्रिएट ट्रैक ड्रम पैड्स सिंथ बेस सिंथ सिंथ वॉइस। वॉइस पे हमने क्लिक कर दिया है। अब वॉइस हमारा यहाँ पर एक मॉनिटर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंथ देखिए सुनेगा। मिक्सर यहाँ पर मिक्सर का बटन मिलेगा जहां पर आपको वॉल्यूम का मिलेगा ऑप्शन। और इधर की साइड में आपको जो है रिवाइंड का ऑप्शन मिलता है। प्ले अंडू करने का, रीडू और रीडू का, मेट्रोनोम और मेट्रोनोम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रीडू मेट्रोनोम कोलैप्स बटन ये कुछ मिल जाएगा। चलिए हम एक गाना रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपके साथ मुखातिब होंगे। रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे सिंपली undo, redo, play,
रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड बटन है, बस सीधा इस पर क्लिक कर देंगे और रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम एक रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर आपको सुनाते हैं कि हम बाद में इसमें क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं गाना, सिंपली रिकॉर्डिंग करूंगा मैं। चलिए जो हमने रिकॉर्ड किया वो सुनते हैं। रुकिए, सुनिएगा हमने जो रिकॉर्ड किया। रिवर्स करेंगे, प्ले। तो आपने देखा कुछ डबल डबल आवाज आपको सुनाई दे रही, तो वो इसलिए दे रही है क्योंकि हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉइस अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो आपको डबल डबल साउंड सुनाई दे रहा है वो। लेकिन कोई नहीं, यहां पर हमें अब थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, टॉकबैक को ऑन करेंगे। ओके, अब हम यहां पर टॉकबैक को ऑन करते हैं और यहां से Select, setting, say, voice, sin, drop, create, click, mon, auto pitch. Auto pitch पे क्लिक करेंगे. Auto pitch. ठीक है, हमें कुछ Selected. Auto pitch करना पड़ेगा. Effect, tuner, but, add, mixer, but, rewind, record, play, undo, redo, metronome, collab, draw, but, pointer, stop, 725, 727. 9, 0, 7, 30, 7, 32, 2, 7, 35. ये जो है इसकी की बता रहा है, ये exit button, यहां से आप exit हो सकते हैं। तो आप अब इसको दो उंगलियों से ऐसे करेंगे तो इसका वोकल, ये देखिए इस तरह से मैं बढ़ाकर दिखा देता हूं आपको। अब एक बार टॉकबैक को बंद करके, क्योंकि मैं आपको जो है इसकी इंटरनल, अब आपको टॉकबैक की आवाज नहीं सुनाई देगी, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ गाना। अब यहाँ पर वोकल जो है, मतलब अब अपना ऑटो पिच जो है हो गया है, यहाँ पर ग्रीन हो गई है वो लाइन, और आप चाहे तो अपने हिसाब से की को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए प्ले करके देखते हैं। अब हम आवाजों को चेंज कर सकते हैं, मिक्सर ओपन करते हैं, गाने को फिर से प्ले करेंगे और आपको बताएंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें वापस से इसको रोकना है और प्ले करना है। सुनिएगा, वोकल को तेज करने के लिए यहां पर मिक्सर का बटन दिया गया है। ओके, ये देखिए पैनिंग भी हो रहा है, राइट की तरफ पैन हो गया,
ये लेफ्ट की तरफ पैन हो गया, ये मीडियम आ गया। अगर आप उंगली से अप की तरफ करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा और ये अब नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अब देखिए अब ये मीडियम पर आ गया। अब परफेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब हम इसमें कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी तरफ से। हम इसको रोकते हैं और आपको इफेक्ट लगा कर दिखाते हैं। यहां पर हम मिक्सर को करेंगे बंद। आप इसको टॉकबैक की सहायता से दो उंगलियों से ऊपर नीचे, अगर आपको पैनिंग करना है अप टू डाउन, मतलब कि लेफ्ट टू राइट पैनिंग करना है, तो दो उंगलियों से आपको ऊपर से नीचे की तरफ करेगा। जहां पर मिक्सर बटन बोलता है वहां पर डबल टैप करना है। दो उंगलियों से ऊपर से नीचे की तरफ करोगे तो आपको पैनिंग राइट और पैनिंग लेफ्ट होगा, और दो उंगलियों से शुरू से लेकर राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तब आपको जो है वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इफेक्ट यहाँ मिल जाते हैं, खूब सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी इफेक्ट यहाँ पर लगाया जा सकता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने प्ले किया, ये देखिए, कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं आप। ये देखिए कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। रोक देते हैं, तो आप इस तरह से विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। टॉकबैक के साथ पूरा एक्सेसिबल है। अब टॉकबैक के साथ इसमें प्रॉब्लम जो है मैं बता देता हूं आपको। अब टॉकबैक के साथ थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं इसको। देखिए बैंडलैब सेलेक्ट लिरिक्स स्क्रीन सेट वॉइस सिंथ बेस ड्रम क्रिएट क्लोज माय रेकमेंडेड वोकल्स एनहांस्ड Tones, ambient, modulated. ये सारे इफेक्ट के नाम बोल रहा है ये। तो आपको जिस पे भी क्लिक करना है, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो अब ये चलेगा, ठीक है ना? अलग-अलग आपको इफेक्ट मिलेंगे आपको। Vintage, search, ambient. कर्सर उस पे इफेक्ट पर आ जाता है अपने आप। Ambient lead, इस पे डबल टैप कर दीजिए, बस आपका इफेक्ट अपने आप लग जाएगा। फिर आप इसे प्ले करके सुन सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं। आप स्वाइप करते रहिए, सारे इफेक्ट बोलेगा ये, ठीक है ना? ये टॉकबैक के साथ, और यहाँ पर मेट्रोनोम इत्यादि सभी के ऑप्शन को बोलकर बताता है। और कुछ जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कुछ जो लोग कहते हैं ना एक्सेसिबिलिटी हट गई, हटी नहीं है। अब आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हुए ही ऑप्शन पर जाना होगा, आप सीधे टॉकबैक पर ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा जेस्चर चेंज कर दिया है। तो अगर आपको बैंडलैब पर काम करना है तो लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है। आप जैसे स्क्रीन के बीचों बीच, जैसे मैंने रिकॉर्ड पर उंगली रख दी, सीधा नहीं बोलेगा वो, आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके तभी हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टार्टर्ड इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, मैंने आपको एक टेम्परेरी व्यू दिया है, तो आप इसको और भी शानदार तरीके से गा सकते हैं इसके साथ। और अगली बार हम लूपर के साथ प्रयोग करके देखेंगे, सॉन्ग स्ट्रेच क्या होता है वो भी सीखेंगे। और जो टॉकबैक के साथ मैंने कुछ इफेक्ट आपको नहीं बताए, वो आप टॉकबैक के साथ भी वो इफेक्ट लगाकर देख सकते हैं, कोशिश करेंगे आप लोग सीख जाएंगे। तो ये है बैंडलैब का इफेक्ट। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।